कहते हैं बुलंदियों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं होती, बुलंदियों पर ठहरना बड़ी बात होती है। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो श्री भवंस भारती पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर हैं, मिस हिना राउत। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। ये आपका CBSE बोर्ड है, तो क्या लगता है आपको ये CBSE बोर्ड और MP बोर्ड में सबसे ज़्यादा टफ क्या होता है और बच्चों को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, क्या क्या कठिनाइयाँ उनके बीच में आती हैं? देखिए, डिफरेंट तो कोई भी नहीं है, MP बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, इवेंचुअली सबका गोल एक ही है, सबका गोल एक है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट स्कूल के अपने वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस हैं, CBSE स्कूल बिकॉज जनरली पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों को ये आउटग्रोइंग एनवायरनमेंट जो है या जो भी आपका कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें एडजस्ट करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हर बच्चे को उसके कंफर्ट जोन से निकाल के उसको उसके स्किल आइडेंटिफाई करके उसमें उसको पॉलिश करना इज़ अ टेक्निक विच एवरीबडी डजंट हैव इट एंड वी बिलीव दैट वी हैव इट। हम कोशिश करते हैं और कर भी पा रहे हैं उसमें। मैम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या कहना है आपका? न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, आई एम इन कम्प्लीटली फेवर ऑफ इट। मैम, फ्यूचर को लेके आपका जैसे शिक्षा स्तर अभी जिस हिसाब का है तो फ्यूचर में आपकी क्या रूपरेखा है? फ्यूचर बहुत ब्राइट है हमारे बच्चों का, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है हम लोगों की लाइफ में और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हम AI इक्विप्ड बनाएं, बट उसको भी एक मॉडरेट वे में सिखाना चाहते हैं जिससे कि उसके मिसयूज ना हो। बच्चे ऑलरेडी AI फैमिलियर हैं, उनको काफ़ी कुछ AI के बारे में मालूम है, बट क्योंकि अभी बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और जो सोशल मीडिया पर उनको दिख जाता है वो ज़्यादा अल्यूरिंग लगता है उनको, तो उसको देख के वो बड़ा सोचते हैं कि अरे ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट बच्चों को अनफॉर्चुनेटली उसकी नेगेटिव साइड नहीं मालूम होती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को हम हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स समझाएं जिससे कि वो जजमेंट कर पाएं कि क्या सही क्या गलत है। मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस स्कूल में आपका बेस्ट मोमेंट क्या है, तो क्या होगा वो एक लम्हा जो आप कभी नहीं भूल सकती? मेरा बेस्ट मोमेंट इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती है, मुझे बहुत प्राइड फील होता है जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि कोई उनको फेलिसिटेट कर रहा है, उनको सम्मान कर रहा है, ये मेरे लिए बेस्ट मोमेंट होता है, क्योंकि उस समय ऐसा लगता है कि वो एक मोमेंट ऐसा होता है जब बच्चे, पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स, उनके फ्रेंड्स, सबको ऐसा लगता है कि दे आर द बेस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो एक बहुत बहुत ही यूनिक मोमेंट होता है जिसको एक्सप्रेस करना शब्दों में शायद मुश्किल होगा। मैम, बच्चों को आप जो भी अगर हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको क्या एक एडवाइस बोला जाए या सजेशन बोला जाए देना चाहेंगे आप? पेरेंट्स के लिए? बच्चों के लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए तो सिर्फ एक ही सजेशन है बेटा कि सब लोग अपना बेस्ट दें, हर बच्चा हर जगह पे अपने फॉर्म में यूनिक है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, कोई दो इंसान इस दुनिया में एक जैसे नहीं है, बट उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, अपना टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जहाँ पे आपके स्किल सेट इम्प्रूव होंगे, आइडेंटिफाई होंगे, आपकी टेस्टिंग होगी, तब आपको पता लगेगा कि हाँ मैं ये बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है जिसके लिए मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि काफ़ी लोग हैं जो आपकी क्लास नॉलेज पर जोर देते हैं और काफ़ी लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर देते हैं, आप किस पर बिलीव करती हैं? मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे बिलीव करती हूँ, मैंने जैसा कहा कि NEP के आने के बाद में पेरेंट्स का नज़रिया बदल गया है, पेरेंट्स अब समझते हैं कि हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हमें अपने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आती है, वो फार्मूला शायद ना काम आएगा पर उस जो स्ट्रगल उस फार्मूला को आपने एग्जीक्यूट करने में जो लगाई है वो स्ट्रगल ज़रूर काम आती है, तो बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो ये रहे हमारे साथ श्री भवंस भारती पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर मिस हिना राउत। तो मैम, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।